समाजवादी पार्टी के पूर्व मेयर प्रत्याशी राहुल गुप्ता के नेतृत्व में देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले व भारत की एकता और शक्ति के प्रतीक माने जाने वाले देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर गोलघर काली मंदिर स्थित उनकी प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया गया, जिसके संबंध में पूर्व मेयर प्रत्याशी राहुल गुप्ता ने बताया कि आज उनकी 72वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। सरदार पटेल को भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण और भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में सरदार पटेल जी का अभूतपूर्व योगदान था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया था। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए। इस अवसर पर जावेद अहमद, राहुल गुप्ता, मोहम्मद हसन, अनिल यादव, आफताब अहमद, नरेंद्र चौधरी, अंबुज मदनवाल, सुनील रावत, तौकीर, समीर, दानिश, राजू अहमद, ब्रिजेश लाल, शाहरुख खान, अजय यादव, शाहरुख, रमन सिंह, चेतन राज, निवास यादव, इरफान उल्लाह खान, विनोद यादव, विजय यादव, विनोद विश्वकर्मा, कोलू यादव, मनोज भारती, खलिक अली, सोनू, अनुप यादव सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व मेयर प्रत्याशी राहुल गुप्ता ने कहा, राहुल गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी मेयर गोरखपुर, समाजवादी पार्टी। आज जो हम लोग यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के सामने मौजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से आज महानगर की पूरी टीम आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो देश के संविधान और देश की लड़ाई में बहुत अग्रिम भूमिका निभाई थी। और यही एक शख्स हैं जो आरएसएस को बंद करने का काम किया था, लेकिन आज इस वजह से आरएसएस सुचारू रूप से चालू है और इनके न रहने पे ये आज बहुत ताकत में आगे बढ़े। और अगर ये रहे होते तो आरएसएस बंद रही होती और देश का बहुत अधिक तरक्की करती, देश हम लोग का बहुत आगे जाता। क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत ही अच्छे लौह पुरुष और महापुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जितनी भी अच्छाई बताया जाए वो कम है। और देश के तरक्की के लिए इन्होंने जनता के बीच जाकर बहुत अच्छा समाज में मैसेज दिया था। और इसकी इनकी जयंती पर मैं फिर से इनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद।